नमस्कार साथियों, वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, भाग उन्हीं पर मेहरबान होता है जो अपनी आस्तीनें चढ़ाकर अपने कंधे पहिए के नीचे लगा देते हैं। इसीलिए आप लोग मौका और तैयारी के मिलन को ही किस्मत कहते हैं। साथियों, अगर मौका और तैयारी दोनों है तो उसी के मिलन को किस्मत बोलते हैं। मौका मिल जाए तो ठीक, वरना मौका को ढूंढिए। अभी बहुत अच्छा मौका है, ये UPPCL का एग्ज़ाम आप लोग के पास लगा हुआ है। UPPCL, NPCIL, इसरो, भाभा एटॉमिक का, ये सारे एग्ज़ाम अभी आप लोगों को देने हैं जिन्होंने भरे हैं। और UPPCL की स्ट्रेंथ हमारे सामने ज़्यादा है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे था NPCIL, उसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जान रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरी तैयारी के साथ जुट जाइए। एग्ज़ाम बस अब क्रमबद्ध होने जा रहे हैं। 2024 में इलेक्शन की वजह से ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी, इनकी डेट आपको मिलेगी, तब तक आप पूरी तरीके से रेडी भी नहीं होंगे। इसलिए आज का जो वीडियो ये क्लास 1 के नाम से मैंने डाला है, UPPCL, NPCIL, इसरो के जो कंबाइंड क्वेश्चन है, उनका पूरा कॉम्बिनेशन है, वो मैंने यहाँ पर डाला। और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने बराबर बार बार लिखा नहीं है किस एग्जाम का है, बट मैंने पूरी इसकी सीरीज टाइप की बना दी है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। चैनल को सब लोग लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का पारस्परिक क्या है, मतलब प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या है। ऑप्शन दे रखा गया है, चालकता, अग्राहिता, प्रतिबाधा, प्रतिघात, कंडक्टेंस, सस्पेंस, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस। और पूछा गया है प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है। भैया मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी चालक में, किसी भी पदार्थ में या किसी भी वायर में जो करंट को रुकावट बहने में रुकावट पैदा करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम R से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, चालकता। ये रुकावट पैदा करता है, ये रुकावट पैदा नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया होता कंडक्टेंस, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, रजिस्टेंस का पारस्परिक कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, R = 1/G। अगर ये पूछ देता कि सस्पेंस का उल्टा क्या होता है, तो होता रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम प्रतिघात बोलते हैं, सस्पेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अग्राहिता बोलते हैं। और इसका उल्टा हो जाता है X = 1/B। अगर आपसे पूछता इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता, तो इसका हो जाता है एडमिटेंस, Z = 1/Y। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, सस्पेंस को X से, और इम्पीडेंस को Z से करते हैं। इधर देख लीजिए, जिसका अपोजिट है G, B और Y, इन तीनों का रेजिस्टेंस, सस्पेंस और इम्पीडेंस की यूनिट जो होती है, इन तीनों को मापने की इकाई ओम होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा, इसमें यूनिट भी मैंने कवर करा दी। इसको मापने की इकाई ओम होती है, जबकि कंडक्टेंस को और रिएक्टेंस, एडमिटेंस को मापने की इकाई इसके उल्टे होते हैं, तो उसकी इकाई क्या होती है, महो होती है। किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, फोन करिए, फोन पे बात करिए, कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऑफिस का टाइम 10 to 5 रहता है, उस टाइम पे हो सकता है जल्दी बात ना हो पाए या कम समय की हो पाए, लेकिन 5:30 बजे के बाद सुबह सुबह हम मॉर्निंग में क्लास लेना स्टार्ट करने जा रहे हैं, 8 से 10 के बीच में रुक के उसके पहले फोन कर सकते हैं। ठीक है, 6-7 बजे कर लीजिए और शाम को अपना 9-10-11 बजे तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो मेरे को कॉल कर सकता है, कैसी भी तरीके की समस्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट, 25 वाट और 2 लैंप समान वोल्टेज रेटिंग में लगे हुए हैं। 25 वाट लैंप का प्रतिरोध ऑप्शन दे रखा गया है, 60 वाट लैंप से अधिक होगा, 60 वाट लैंप से ज्यादा होगा, 60 वाट लैंप के समान होगा, या नन ऑफ द अबव। भैया मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखिए पहले आपको क्या क्या दे रखा गया है। वॉट दे रखा है, मतलब पी का मान दे रखा गया है।
वोल्टेज वोल्टेज नहीं दे रखा गया। आप जान लें कि सिंगल फेज में कितना वोल्टेज होता है, 230 या 250 इसमें नॉर्मल ले लें। और आपसे लैंप का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, मतलब कि पावर के फॉर्मूले में हमको जाना पड़ेगा। और पावर के फॉर्मूले मैंने तीन देखे लिखे, कौन कौन से, पी बराबर वी इंटू आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। हमको आर पता करना है, वोल्टेज दे रखा गया है, पी का मान दे रखा गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाला नहीं लगा सकते क्योंकि आई स्क्वायर आर दे रखा गया, यहाँ पर आर का मान नहीं दे रखा गया है। तो मैंने ये लगाया 220, 220 बटे 60, मतलब वोल्टेज, और 60 वाले का निकाल कर देख लिया, 60 वाले का निकल कर आया 806। जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 206 निकल कर आएगा। फिर अगर हमने यही वाला वोल्टेज 25 रख के देखा तो निकल के आया 1936। तो ये किससे, ये ज़्यादा है ना, 25 वाले का ज़्यादा निकल के आया ना रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देख लेंगे 60 वाट से लैंप से कम, 60 वाट लैंप से ज़्यादा, और ये ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और निकाल के देख लिया किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बस आगे बढ़े भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड कोर किसे घटाने हेतु प्रयोग किया जाता है। लैमिनेटेड कोर, मैं आपको कई बार ट्रांसफार्मर के बता चुकी हूँ, लॉसेस लॉसेस में बताती थी मैं बार बार, कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं, दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, उसमें मैंने सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे समझा दे, विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड कोर किसे घटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रखा गया है, हिस्टेरेसिस लॉस, ईडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा, ईडी करंट लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में जो कोरें बनाई जाती हैं या विद्युत मशीनों में जो कोर लैमिनेट की जाती है, वो ईडी करंट लॉस को घटाने के लिए की जाती है। ठीक है, अब देखिए भैया, ये डेफिनेशंस भी पढ़ते समझते चलिए। अभी बिहार इंस्ट्रक्टर का एग्जाम था, बिहार इंस्ट्रक्टर में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी गई थी और पूछा गया था कि ये क्वेश्चन बताए, मतलब बताइए, जैसे कि फराडे का नियम दे दिया। अब पूछ रहा है ये पहला नियम है फराडे का, दूसरा नियम है कि लेंज का नियम है, कि कार के स्क्रू का नियम है, इस तरीके से प्रत्यास्था की परिभाषा दे दी। अब उसमें लिखा है प्रत्यास्था है कि प्रतिबल है, इस तरीके से कि विकृति है, क्या है ये। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेशन पे भी आप जोर दीजिए। मैंने इस पेपर में थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको डिस्क्राइब कराया, हमने लिख दिया आंसर में, ईडी करंट लॉस को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईडी करंट लॉस को। अब ईडी करंट होता क्या है, तो भैया देख लो, यदि कोई गोल धातु की चद्दर को दो चुंबक के बीच यदि कोई गोल धातु की चद्दर को दो चुंबक के ध्रुवों के बीच घुमाया जाए, तो फैराडे के नियम के अनुसार इसमें करंट चलने लगेगी। यदि एक कोई धातु है, कोई धातु की कोई चद्दर है, उसको दो मैग्नेटों के बीच में घुमाया जाए, तो फैराडे के नियम के अनुसार उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी और उस चद्दर में करंट चलने लगेगी। इस चद्दर को ही इसको ही हम इडी करंट कहते हैं। समझ में आया, यदि कोई धातु, अब एक चीज हम आपको दिखाते हैं, मान लीजिए ये कोई धातु का पेज है, यदि कोई ये है और इसके बीच में इस तरीके से छेद करके इसको ऐसे से घुमाओ, घुमाने पे क्या होगा, फैराडे के नियम के अनुसार इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी और ये उसमें और करंट चलने लगेगी। इस करंट को ही हम ईडी करंट कहते हैं। अगर आप ईडी करंट कहते हैं, ईडी करंट लॉस नहीं कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। और इसी को, ईडी करंट को कम करने के लिए ही हम पत्तियों को लैमिनेटेड बनाते हैं। आया समझ में, आगे बढ़े फटाफट। जितने आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप आपके टेक्निकल हैं, इसमें नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है नोट्स वोट्स की, आप लोग परेशान मत होइएगा। इसमें करना क्या है कि टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक डाल देंगे, वहाँ पर हम इसका पीडीएफ भेज देंगे और वहाँ से आप लोग आप इसका ले लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहले करते थे, बीच में कोई तबीयत खराब होने की वजह से मैं बार बार आ नहीं पाई कंटिन्यू, और बहुत सारी चीजें थी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएल वालों,
कामयाबी की भूख बढ़ाओ, आंखों में चुभता रहे लक्ष्य। ऐसा लक्ष्य बनाओ कि वो आंखों में चुभता रहे। हमें इस साल कैसे भी करके सिलेक्शन लेना ही है, और सिलेक्शन होते हैं। आपको किसी भी चैनल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ घबराने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना आपको ऑप्शनल पढ़ाया, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, आप उतना ही कर लो और अपना पोर्शन कंप्लीट करते चलो। जो भी आपका मैथ और रीजनिंग और जीएस जो करंट अफेयर, ये उधर से कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं अभी हो सकता है जल्दी जल्दी मैं इसमें कुछ ना ला पाऊँ। कंप्यूटर सेक्शन आप कवर करते चलो। टेक्निकल की गारंटी मुझ पे छोड़ दो, मैं आपका कवर करवा दूंगी, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट 3 एम्पियर आवर वाली बैटरी से 10 घंटे तक निकाली जाने वाली धारा। ऑप्शन दे रखा गया है इसमें। ऑप्शन है 0.03 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.15 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। भैया, हम इसमें एक लॉजिक आपको बता दे रहे हैं, बहुत इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका एक लॉजिक हम बता दे रहे हैं कि कभी भी आपको एम्पियर आवर में बैटरी की वो दे रखी गई हो कि 75 एम्पियर आवर है कि 72 एम्पियर आवर है, उसमें डिवाइड बाई आप 10 कर देना, जो आएगा वही वही एम्पियर हमें देगी, ठीक है? नीचे मैंने एक एग्जाम्पल टाइप का बताया है। यदि किसी बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता 72 है, तो इसका अर्थ ये है कि उसमें 7.2 एम्पियर करंट 10 घंटे में प्राप्त की जाती है। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो आपने 3 से डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो 0.3 इसका आंसर हो गया बी। अगर आपको यहाँ पे 85 मिल जाता, तो आप इसका डिवाइड कर देते तो 8.5 आ जाता। मतलब कभी भी आपको एम्पियर आवर वाली बैटरी पूछी जाए, एम्पियर आवर में दी गई है और पूछ रहा है कितनी करंट लगभग निकाल 10 घंटे में कितनी निकालेगी, तो डिवाइड बाई 10 कर देना। ओके ठीक है भैया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार क्या होता है? मैं मुख्य कार होता है, ऑप्शन दे रखा गया है, एसी को डीसी में सॉरी डीसी को एसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, एसी को एसी में बदलना, डीसी को डीसी में बदलना, ठीक है? एसी को, आप देखिए, कम्यूटेटर का मुख्य कार जो होता है, कम्यूटेटर का कार मतलब कई तरीके के होते हैं, वो हर मशीन में एक अलग अलग काम करता है। अगर यहाँ पे आपसे डीसी जनरेटर में पूछ लिया गया है, तो कम्यूटेटर का कार होगा एसी को डीसी में बदलना, ठीक है? एसी को डीसी में। अगर यहाँ पे लिखा होता डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार है, तो डीसी को एसी में बदलता है। अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या कार होता है, भैया डीसी मशीन में कम्यूटेटर एसी को एसी में भी बदलता है, डीसी को डीसी में बदलना। डीसी मशीन में ये दोनों कार होते हैं, जनरेटर में कार होता है एसी को डीसी में बदलना, और मोटर में क्या होता है डीसी। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लेना, ये तीनों पेपर का कॉम्बिनेशन है, तीनों पेपरों में पूछे गया है, एक पेपर में नहीं तीनों में पूछा गया है, ठीक है? इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। मैं भी एक बार एग्जाम देने गई थी झारखंड का, झारखंड में मेरे को पता था इंडिया की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है, और धोखे से मैं 60 हर्ट्स पे कराई थी। मुझे आज भी ऐसे 2-4 क्वेश्चन याद हैं, जो उस पेपर में 4 क्वेश्चन में मतलब मुझे आते हुए मैं गलत कर कराई थी। तो इसलिए, क्योंकि पेपर हॉल का प्रेशर एक अलग ही होता है, बहुत अच्छे से बहुत साइलेंट होके आप पेपर दीजिएगा, बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखें। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर, डीसी सर्किट में पावर फैक्टर बताओ, डीसी सर्किट में पावर फैक्टर होता है? डीसी सर्किट का पावर फैक्टर, डायरेक्ट आंसर लिख लो, 0। डीसी सर्किट में पावर फैक्टर नहीं होता, क्योंकि डीसी सर्किट पी वाला फॉर्मूला क्या होगा, पी बराबर वी इन टू आई, यहाँ पे कॉस फाई या कोई एंगल बनता ही नहीं है, तो पावर फैक्टर का मान 0 होता है। अब एसी सर्किट में क्या होता है, एसी सर्किट में दो टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है प्योर कैपेसिटिव, नीचे लिखो मैंने लिख रखा प्योर कैपेसिटिव, एक होता है प्योर इंडक्टिव। क्वेश्चन हमारा था डीसी सर्किट का पावर फैक्टर, आंसर है 0, और डीसी में क्यों है, तो पी बराबर वी इन टू आई, एसी में क्या होता है प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भैया रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में ये सभी ट्रेडों के लड़कों को बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपके जो भी दोस्त फिटर मशीनिस्ट टर्नर जिससे भी हो उनको बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आपको मैं अभी भी देखो, ट्यूबवेल का एक पेपर हुआ था, ट्यूबवेल ऑपरेटर वालों का, उसमें सारी ट्रेडें मिक्स थी, और जब भी जो लोग देने गए तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के थे, और मुझसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत लोगों ने नोट्स मांगे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स दीजिए, मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिशियन ही पूछा गया था। इसीलिए जो टेक्नीशियन है उसमें मैं मिश्रित, जितने भी फिटर के क्वेश्चन, छोटे छोटे फिटर के आएंगे, मशीनिस्ट के होंगे, टर्नर के होंगे, मैं उस सबका वीडियो पर्टिकुलर डालूंगी टेक्नीशियन के लिए। आप सबको चैनल सब्सक्राइब कर दो, और झारखंड वाले तो तुरंत कर लें। झारखंड में स्ट्रीट इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, जो भी झारखंड, उनको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी उनको एक वीडियो और मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए। फीस तो लेती नहीं हूँ, ना ही कोई किसी तरीके के पैड क्लास देती हूँ, ना ही कुछ, वो जितने भी है समाज सेवा में एक लाइक और सब्सक्राइब का ही तो बोलता करती हूँ मैं हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत आग बचाने बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा गया है, सोडा, अम्ल अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड, फेनिल अग्निशामक और पानी। इसके लिए होता है भैया कार्बन डाइफायर इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा गया है। ऑप्शन अगर होता तो CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हम लोग ये यूज करते हैं ये यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा अम्ल कर नहीं सकते, फोम हम झाग कर दे नहीं सकते बिजली बुझाने के लिए, और पानी से तो हम उसको बुझाते नहीं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको पूरा एक चार्ट बनाकर समझा दिया है, फायर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक क्लासेस जो होती हैं, फायर क्लासेस जो हैं वो चार होती हैं, A, B, C, D। ए क्लास में जितनी भी आग लगती है वो पेपर, कपड़ा, लकड़ी से, जो जूट से जो आग लग जाती है, वो सारी आग किस में आती है? क्लास ए में आती है। ठीक है, सॉरी, फायर क्लासेस कितनी है? चार है, A, B, C, D। ए क्लास में कौन कौन से फायर आग आती है? जो वुड, लकड़ी में लग जाए, कपड़े से लग जाए, पेपर से लग जाए, जूट से लग जाए आदि से, उसको हम ए क्लास में मानते हैं। और इसकी हम इसको कैसे बुझाते हैं? पानी की बौछार से हम इसको बुझा सकते हैं। बी क्लास में जो भी आग लगती है, ज्वलनशील पदार्थ, जितने भी लिक्विड होता है, जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है आदि, इन सब से जो आग लगती है वो सारी किस क्लास में आती है? बी क्लास में आती है। और इसको बुझाने के लिए हम फोम टाइप इंस्टीग्यूशर का यूज, अगर यहाँ पे वैद्युत आग की जगह लिखा होता कि पेट्रोल से लगी हुई किसको बुझाएंगे, तो हम फोम टाइप से बुझाएंगे। ठीक है, फेनिल अग्निशामक फोम टाइप से बुझाएंगे। थर्ड वाला है पानी से नहीं बुझाते, थर्ड वाला है अगर किसी गैस से, घरों में जैसे गैस से आग लग जाती है, LPG है, CNG है, PNG है, आग से विस्फोट हो जाता है, तब हम ड्राई पाउडर का लगाते हैं। आपने देखा होगा CNG ऑटो जो होती है, CNG ऑटो में देखा है ना आपने, CNG ऑटो में लगा रहता है, उसमें देखना सी वाले पे डार्क मार्क होता है, ABCD लिखा होता है, सी वाला बोल्ड रहता है। सी इसमें LPG का फुल फॉर्म बताओ फटाफट, फुल फॉर्म का एक वीडियो पड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा, और उसका अगर वो चाहिए हो आप लोग को, उसकी कॉपी चाहिए हो तो बताइएगा, मैं डाल दूंगी उसमें टेलीग्राम चैनल पे, वहां से प्रिंट आउट निकाल लेना, वरना बैठ के नोट करना ना, नोट मत करना बहुत ज्यादा है, प्रिंट निकाल लोगे तो पांच पांच करके लर्न करते जाओगे। बताओ जल्दी से, LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG का फुल फॉर्म प्यूरिफाइड नेचुरल गैस। मैं लिख नहीं रही हूँ, बहुत बार लिख चुकी पुराने वीडियो में। ठीक है, अगर सी क्लास में गैस से लगी, ए क्लास में आता है पेपर, वुड, जूट, बी क्लास में आता है पेट्रोल या लिक्विड से लगी आग, सी में आता है गैस, गैस से, इसको हम कैसे बुझाते हैं? ड्राई पाउडर से बुझाते हैं, ड्राई पाउडर से। और डी में आता है, डी क्लास जो होता है वो इलेक्ट्रिक वाली से होता है, इलेक्ट्रिक से लगी जो भी गैस वो होती है, आग होती है, उसको हम डी से कनेक्ट करते हैं, और डी वाले में आता है इलेक्ट्रिक से, इसको हम कैसे बुझाते हैं? CO2, CTC से ही हम बुझाते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी मैंने ऊपर टिक कराया आप लोगों को, और CTC भी होता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CCl4। मैंने क्या पढ़ाया?
आग के क्लासेस चार प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी। ए जो होता है वो वुड पेपर से होता है, इसको हम पानी की बौछार से बुझाते हैं। जो बी होता है वो होता है लिक्विड के लिए, जैसे पेट्रोल वेट्रोल बी में आता है। सी होता है गैस के लिए, डी होता है इलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, एक ही जगह एक ही पेज में पूरे क्वेश्चंस हो गए, इससे रिलेटेड जितने भी मिलेंगे आपको सब। और ये पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, जो रेलवे के फॉर्म भरे हैं वो तो जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर की पावर इफिशियंसी अधिकतम कब होती है? ये बहुत बार बताया है, बताओ फटाफट। आंसर तो मैंने डायरेक्ट ही दे दिया। फटाफट जितने लोग और भी आ गए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए भैया, चैनल को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में, जो और लोग भी जुड़ जाएं। अब यूपीपीसीएल तक फंड मतलब एक रजिस्टर बनाओ, उसमें कंटिन्यू जितना पुराने वीडियोस पड़े हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं पड़े हैं, 44 वीडियोस हैं आज का मिला के, 45 वीडियोस होंगे, एक्चुअल चीज़ मिलेगी हमें। आपको इसमें पीएचडी नहीं कराना है, हमको आपको एक्चुअल पढ़ाना है, बस आपका सिलेक्शन कराना है और अपने पास बुला लेना है। ठीक है, कि आप भी हमारे यूपीपीसीएल का पार्ट बन जाओ। ट्रांसफार्मर की पावर इफिशियंसी अधिकतम कब होती है? जब कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों लॉसेस बराबर होते हैं तब होती है ट्रांसफार्मर की पावर इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। अब देख लीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि जनरेटर में अधिकतम इफिशियंसी आपको कब मिलती है, तो जनरेटर में जब वेरिएबल लॉसेस और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, अभी मैंने बिहार इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया है। तो देखिए, डीसी जनरेटर में कब होती है? जब वेरिएबल और कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर होते हैं। और अगर डीसी मशीन में आपसे पूछ लेता, तो डीसी मशीन में जब बैक ईएमएफ और 1.2 सप्लाई, ये दोनों वोल्टेज बराबर होते हैं, तब होती है। बैक ईएमएफ 1/2 इंटू सप्लाई वोल्टेज बराबर होगा तभी इसके। अल्टरनेटर में भी वही होता है, जो वेरिएबल लॉसेस कॉन्स्टेंट टू, आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कब होती है, जनरेटर में कब होती, मोटर में कब होती, अल्टरनेटर में, एक ही जगह सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं भैया। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। आप लोग भी नौकरी के बाद जानोगे कि ये पढ़ाने का बस जुनून है कि कुछ समाज सेवा टाइप का करने का, इसलिए इस तरीके से होता है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत पड़ती है, इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तब आवृत्ति पे क्या होता है? आवृत्ति बढ़ती है कि घटती है कि समान रहती है कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने देखो आवृत्ति का फॉर्मूला लिख दिया, क्यों कौन से फॉर्मूले होते हैं, एफ इक्वल टू एन पी अपॉन 120। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी घटे, ये किसके समानुपाती है ना, अगर फ्रिक्वेंसी घटेगी तो स्पीड भी घटेगी, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। यहाँ पूछा गया गति बढ़ती तब आवृत्ति तो बढ़ेगी। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूले बना बना के दे रही हूँ ना, इनको बहुत ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा कहीं भी एग्जाम देने जाए टेक्निकल का, चाहे वो इसरो का हो, किसी चीज का भी हो, और इलेक्ट्रीशियन तो कोर ब्रांच है इसकी, तो बहुत वैकेंसी आती है, तो आप ये कॉपी लिए चले जाएं और रास्ते में रिवीजन करते करते, तो आपका अलग से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है? विद्युत प्रघात मतलब हमको शॉक लगने से करता है, तो इसमें आंसर दे रखा है, ऑप्शन दे रखा गया MCCB, ELCB, MCB, ACB। देखिए MCCB, इन सबका फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, वीडियो देखिए, अब मैं सबका बताती जाऊंगी तो यहाँ पे टाइम क्वेश्चन कम सॉल्व हो पाएंगे, अब वीडियो देखिएगा। MCCB का ELCB जो अर्थ लीकेज सर्किट होता है वो हमको झटके से बचाता है, इसका ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ELCB। ठीक है, ELCB हो जाएगा, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ACB एयर सर्किट ब्रेकर, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का रोटर कैसा चलता है? भैया इंडक्शन मोटर का रोटर कैसा चलता है? ऑप्शन दे रखा गया, सिंक्रोनस गति से ज्यादा गति में, सिंक्रोनस गति से कम गति में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इंडक्शन मोटर पूछा है, तो इंडक्शन मोटर का रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे चलता है।
एन आर माइनस एन एस। अगर इंडक्शन मोटर पूछा है तो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में चलता है। अगर यहाँ पे पूछ लेता सिंक्रोनस मोटर का रोटर ये किस स्पीड पे चलता है, तो सिंक्रोनस मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड हमें रोटर स्पीड से कम होती है, एन एस माइनस आर। समझ में आया? समझ में आ गया ना? अगर इंडक्शन पूछ रहा है तो इंडक्शन पूछेगा तो रोटर आगे चलेगा, और अगर सिंक्रोनस पूछता है तो सिंक्रोनस आगे चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? फटाफट जितने भी आपके साथी हो, जो भी जुड़ गए हैं लोग, जितने भी आपके साथी हो, जितने भी आपके टेक्निकल ग्रुप हो, सब में फटाफट भेज दीजिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का कार्य। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्या काम होता है? रिड्यूस स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टार्क को घटाता है, स्टार्टिंग करंट को घटाना और स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाता है, स्टार्टिंग करंट बढ़ाता है स्टार्टिंग टार्क बढ़ाता है, और स्टार्टिंग करंट क्षमता और स्टार्टिंग बल आघूर्ण घटाता है। क्या करता है? तो हम इसमें आपको बता देते हैं, इसको ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो भी हमारा जब भी हम डायरेक्ट करंट देते हैं किसी भी मोटर को या किसी को बिना स्टार्टर के, तो उसमें करंट हमारी 5 से 6 गुना बहुत अधिक होती है, और इसीलिए हमें स्टार्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टर क्या करता है, उस करंट को रिड्यूस कर देता है, उस स्टार्टिंग टार्क बढ़ा देता है, मोटर चलने लगती है और फिर धीरे से कट की आवाज़ से आके वो नॉर्मल पे चलता है। जब भी आपने देखा हो घर में भी आपके मोटर लगी है समरसीबल की, आप चलाते होगे तो कट से, वो कौन सा स्टार्टर होता है? DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। जो घर में समर का मोटर लगा रहता है, समर के मोटर में जो स्टार्टर लगा रहता है वो DOL स्टार्टर होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने नीचे यहाँ पे देखें, AC सर्किट में यूज होने वाले स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? AC सर्किट में यूज होने वाले स्टार्टर 4 प्रकार के होते हैं। DOL स्टार्टर, ये 5 HP की मोटर के लिए होता है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये 20 HP की मोटर के लिए होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर 20 HP से ऊपर की मोटरों के लिए यूज करते हैं इसको, और रोटर रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर या कभी कभी आपको स्लिपिंग स्टार्टर लिख कर मिलता है, ये 25 HP से ऊपर की जितनी भी मोटरें होती हैं, 25, 30, 35 तक का जो मोटरें चली जाती हैं, 25 मतलब मैक्सिमम 25, 30 तक की जो मोटरें होती हैं उन पे ये यूज होता है। ठीक है, तो AC में यूज होने वाले, अगर DC में कौन कौन से यूज होते हैं? DC में 3 प्रकार के स्टार्टर यूज होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। वो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बताए हैं, आएगा तो मैं बताऊंगी। और इसका क्या काम होता है? करंट को कम करना, स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाना, स्टार्टर का काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिंगल फेज मोटर की विशेषता है कि वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसे सिर्फ एक वाइंडिंग की आवश्यकता होती है और एक दिशा। सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती हैं। ठीक है, सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये जो पेपर है ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, ये 24/3/2019 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 90 मिनट के थे, 60 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रीशियन के थे। ठीक है, देखिए रेसिप्रोकल वाला आपको देखो यहाँ दिख गया, प्रतिरोध का रेसिप्रोकल। ठीक है, 25 वाट लैंप वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। विद्युत मशीन में लैमिनेटेड कोर क्यों होती है? एक बैटरी वाला क्वेश्चन ये सॉल्व करा दिया। सिंक्रोनस मोटर की गति वाला क्वेश्चन ये देखिए, है ना, सारे क्वेश्चन मैंने पेपर से ही लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन सेल्फ मेड नहीं है कि कोई भी। अभी ये क्वेश्चन आएंगे आगे पेपर सेकंड में, और ये देखो। ठीक है, ये मैं तब आगे समझाती जाऊंगी, इसी तरीके NPCIL UPPCL का पेपर भी दिखा दूंगी, भी दूर रखा हुआ है वो। तो इसमें सेल्फ सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती, आंसर कौन सा हो गया आपका? बी। आगे बढ़ते हैं, देखो ये मैं बहुत अच्छे से समझा दे रही हूँ, इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आराम से कर लोगे। ये सिंगल फेज मोटर का स्ट्रक्चर है, सिंगल फेज मोटर का जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज होता है, सिंगल फेज मोटर का रोटर स्क्वायरल केज होता है। सिंगल फेज में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है मोटर में, एक होती है पतले तार
कम टर्न अधिक टर्नों की जो होती है वो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। पतले तार अधिक टर्नों की वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको हम सहायक वाइंडिंग भी बोलते हैं। और मोटे तार कम टर्नों की वाइंडिंग जो होती है वो होती है रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंगल फेज मोटर में वाइंडिंग कितनी होती है, तो वाइंडिंग दो होती है, उसको दो फेजों में बांट देते हैं। यानी सिंगल फेज है तो एक ही वाइंडिंग होगी। कौन कौन सी? स्टार्टिंग और रनिंग। स्टार्टिंग और रनिंग होती है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। रोटर कैसा होता है? स्क्वायरल केज। इसमें कैपेसिटर लगाते हैं और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा होता है। ये सिंगल फेज मोटर हम पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। हो सकता है कि इसके बाद मेरी क्लास 2 मिले, क्लास 2 के बाद आपको सिंगल फेज का मेरा पूरा चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? अगर आपसे पूछता है कि सिंगल फेज मोटर में की दिशा कैसे बदल सकते हैं, तो सिंगल फेज मोटर की दिशा को हम कैसे बदल सकते हैं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दो में से किसी एक के कनेक्शन को उल्टा कर देने पर हम, देखिए नीचे क्वेश्चन भी है, नीचे क्वेश्चन भी है। इतना समझ में आया? सिंगल फेज मोटर का रोटर स्क्वायरल केज होता है, इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो सहायक होती है, और रनिंग वाइंडिंग मेन वाइंडिंग। आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज मोटर की घूर्णन दिशा को कब उल्टा किया जा सकता है? सिंगल फेज मोटर की घूर्णन दिशा जब दोनों वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा करके, स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा करके, सप्लाई कनेक्शन को उल्टा करके, उल्टा करने वाला स्विच का उपयोग करके। कैसे उल्टा कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन दे रखा गया था, चारों ऑप्शन पढ़ लिए, उसके बाद देखो किसी भी वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा करके, अगर हम चाहेंगे तो Z1 को Z2 में कोई का भी एक उल्टा कर दे, अगर दोनों के उल्टे कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए किसी भी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा करके हम मोटर को उल्टा चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। प्राइमरी 1000 टन प्राइमरी टर्न ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। यदि एक सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट के लिए, सेकेंडरी टर्न क्या होना चाहिए? सेकेंडरी टर्न क्या होना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी में प्राइमरी दे रखा गया 1000 टन एनपी बराबर 1000, आपको 250 वोल्ट जोड़ा गया, तो वीपी बराबर 250 वोल्ट। एनएस दे रखा गया 400 वोल्ट, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट, और एनएस पूछ रहा है। फॉर्मूला ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला लग गया, एनएस अपॉन एनपी, वीएस अपॉन वीपी। आपको एनएस निकालना था, आपने पक्षांतर करके यहाँ मान रखा 1600 टन, 1600 टन आ गया, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। भैया फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग सभी लोग। और अब ये आपकी फर्स्ट क्लास थी, अब आपको सेकंड क्लास जो होगी वो आपको कल मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कि क्लास आपको मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में आपको मिले। ठीक है, आप लोग फटाफट चैनल को वो कर दीजिए, और जितने भी हो सके अपने सारे फ्रेंडों को चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, जो भी हो आपके सारे टेक्निकल वाले। और नोट्स की जरूरत या जो कोई कानपुर में रहता हो, तो सुबह 8 से 10 का बैच स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर मंथ से, तो आप लोग आकर कर सकते हैं। जो ITI कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो ITI कर चुके हैं उनके लिए भी बेनिफिट है कि, ठीक है, चलिए जय हिंद साथियों।